मन से कौन कौन से नाम निकलेंगे ये सोच के ही सबकी फटी पड़ी। अपना आंकड़ा बता दो। 3 लाख। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, तेलगी स्टोरी स्कैम 2003 का वॉल्यूम 2 आ चुका है, मतलब सेकंड हाफ इसका आ चुका है। देखो, 2 महीने पहले मैंने इसका फर्स्ट वॉल्यूम जब आया था उसका रिव्यू दिया था और यस, वो पहला जो वॉल्यूम था फाड़ था। लेकिन उसके बाद ये एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि यार मेकर्स ने सिर्फ 5 एपिसोड निकाले, उसके बाद की कहानी क्यों नहीं निकाली है। लेकिन अभी ये पूरा वॉल्यूम 2 देखकर, पूरा सेकंड हाफ देखकर समझ में आ गया कि भाई इसे क्यों नहीं निकाला गया, क्योंकि इसका कोई उतना ज़्यादा मोल है नहीं। वैसे देखा जाए तो जो दम है, जो मुद्दा है, वो दमदार वाला, वो सब वॉल्यूम 1 में ही है। चलो एक एक करके बात करेंगे, आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखो 10 एपिसोड हैं इस पूरे सीजन में, एक साथ पूरा सीजन क्यों नहीं निकाला गया वो इसके बारे में भी बात करेंगे। स्टोरी बेस है पूरी रियल लाइफ इवेंट पर, जहां पर 30,000 करोड़ का घोटाला होता है। कहां पर? स्टैम्प पेपर घोटाला, और भाई बहुत बड़ा घोटाला। और इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम था ना, इस घोटाले को देखने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसी स्ट्रेटेजी बनेगी, कैसे तेलगी एक के बाद एक क्रैक करता है अपने को सक्सेस लेने के लिए, मतलब उस घोटाले को अचीव करने के लिए। तो भाई वो चीज़ बहुत दमदार लगी। लेकिन सेकेंड हाफ में एज यूजुअल, मतलब जो सोचा जाए डेफिनेटली वही होता दिखा, क्योंकि भाई सब चीज़ के बाद आपको उसका हर जाना भी तो भुगतना पड़ेगा ना। तो सेकेंड हाफ उसी बेस पर है। मतलब सेकेंड हाफ में दिखाया गया है कि तेलगी कैसे फंसा, तेलगी पर इन्वेस्टिगेशन हुई, पहले सभी ने इसका अच्छा खासा फ़ायदा उठाया, मतलब पॉलिटिशियंस ने भी तो काफ़ी फ़ायदा उठाया, बाकी जो भी मतलब इसके टच में था, फ्रेंड वगैरह जो भी, सबने मिलकर जबरदस्त तरीके से फ़ायदा उठाया इसका। और फिर कैसे ये जेल गया, पर्सनल लाइफ कैसे इसकी डिस्टर्बेंस हुई, पर्सनल लाइफ में मतलब मैं कहूँगा कि खुद की एक लाइफ, देन वो एक परिवार फैमिली मैन है, एक बाप है, एक पति है, तो भाई वो सब कैसे उसका डिस्टर्ब हुआ। फिर उसके बाद जो एक ओहदा उसने कमाया, उसके बाद वो चीज धीरे धीरे नीचे गिरती गई, क्योंकि एक होता है आपके पास जब रेपुटेशन बन जाती है, फिर वो रेपुटेशन धीरे धीरे खिसकती है, तो भाई यहाँ की बहुत खिसकती है। तो वही चीज़ हमें सामने से देखने को मिला है पूरा रॉ वेस में। तो एक बार के लिए स्कैम 1992 की पूरी याद आ गई, जैसे वो स्टार्टिंग से लेकर मतलब बहुत नीचे से उठ के ऊपर गया, देन अचानक वो सारी चीज़ें उसे फिर नीचे लाने लग गई। तो सेकेंड हाफ दोनों का मिलता जुलता है, फर्स्ट हाफ दोनों का अलग है, उसकी अलग स्ट्रैटेजी थी, इसकी अलग स्ट्रैटेजी है, लेकिन सेकेंड हाफ में वही हुआ, चोर पुलिस पकड़ना वगैरह वगैरह का गेम। मतलब बाकी के जो एपिसोड हैं 6, 7, 8, 9, उसमें सब यही चीज़ देखने को मिला है, मंत्री संतरी मतलब बहुत हद तक इसके काम पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, इसको बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंत में होना तो वही है जो होके रहेगा। और लास्ट जो कंक्लूजन एपिसोड है 10वां, भाई वो दमदार है। तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो आप खुद देख लेना, इतना कुछ स्पॉइल बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि चीज़ ज़बरदस्त है यार, मज़ेदार है। लेकिन वॉल्यूम 1 वो दमदार है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप देखो वो। उसके बाद अगर आप सेकंड सीजन में भी आते हैं, सेकंड वॉल्यूम में आते हैं, सीजन नहीं बोलूँगा सेकंड वॉल्यूम में आते हैं, तो आप अगर 6, 7, 8, 9 को स्किप कर करके भी देखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लास्ट एपिसोड मेन है वो देख लेना। और हर एपिसोड की लेंथ करीबन 35 से 36 मिनट के आसपास है, तो ज़्यादा कोई बड़ी भी नहीं है, दमदार है, देखिए मज़ा लीजिए। खैर मैंने तो देख लिया, दैट्स माई रिव्यू, मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।